हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदूषण बोर्ड के जेई अभय गुप्ता के नेतृत्व में सुप्रीडेंट प्रेम सकलानी, अभिषेक रूपलाल व राजेश कुमार की टीम ने बद्दी साई मार्ग पर मंगलवार देर रात रेहड़ी फड़ी लगाने वाले व दुकानदारों के चालान काटे और उसके बाद बुधवार सुबह सब्जी मंडी में पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान टीम ने करीब 15,000 का जुर्माना भी वसूला। जानकारी देते हुए प्रदूषण बोर्ड के अभय गुप्ता ने बताया कि जिला दंड अधिकारी के निर्देश पर विभाग ने टीम का गठन किया जो कि पॉलीथीन के प्रयोग को पूरी तरह से रोकने का कार्य करेगी। उनका उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, वह दुकानदारों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बद्दी हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है और बॉर्डर एरिया होने के चलते यहां पर पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हिमाचल में पॉलीथीन पूरी तरह से बंद है। जिन दुकानदारों के पास पॉलीथीन मिलता है तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाए। अभय गुप्ता ने सभी विभागों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में पॉलीथीन के चालान करें और इसकी रिपोर्ट जिला दंड अधिकारी को दें, जिससे जिला सोलन को पॉलीथीन मुक्त करने में सफलता हासिल हो सके। तू क्या कुल बोला कैसे मार लेगी? फिर तो कुल मार दिया। बोली सब लोग बोली क्या बोली? मार लेगी कैसे बोली? एक थप्पड़ मार दो और गोल बना दूँ मैं। चली है ये, कल से नहीं चली है, पिछले महीने से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान छेड़ा था और मुख्यमंत्री जी ने भी जिसका शुभारंभ किया था उसकी ही कड़ी है। उस टाइम हमने सब लोगों को हाथ जोड़ कर प्रार्थना की थी कि पॉलिथीन मत यूज करो, बद्दी बॉर्डर इलाके होने के कारण यहाँ पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है। अब हम सबको प्रार्थना कर चुके हैं, अब हमने पिछले दिन और आज चालान किए, लगभग 22 चालान करे हैं हमने और लोगों को बोला है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि पॉलिथीन यूज़ ना करें। अब मैं आपके माध्यम से बाकी अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट के तहत चालान करने के लिए वो है बाध्य हैं, सोलन जिला एवं बद्दी और बीबीएन एरिया साफ सुथरा बना रहे। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।